हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट के ऊपर। ओके, सो बहुत सारे लोग जो लोग बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, उन्होंने कभी ना कभी ये गल्फ का इंजन ऑयल तो डलवाया ही होगा अपनी गाड़ी। ओके जी हाँ, ये वही शेयर है जिसका आप लोग इंजन ऑयल अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं। तो अब बाकी ये कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है वो मुझको नहीं लगता आप लोगों को बताने की जरूरत होगी, बिकॉज बाकी सब आप लोग समझ ही गए होंगे ये कंपनी किस में मेनली डील करती है। बट फिर भी जो लोग न्यू हैं उनको मैं बता देता हूँ, गल्फ ऑयल जो है ये एक एनर्जी मिनरल स्टॉक है। ओके, ऑयल और रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग में डील करता है, मतलब इंजन ऑयल, गाड़ियों का ऑयल और बहुत सारे तरह के ये ऑयल्स वगैरह में रिफाइनरीज में डील करती है कंपनी। ठीक, आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके करेंट प्राइस के बारे में, थोड़ा मार्केट के बिहेवियर और प्राइस एनालिसिस भी करने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ताकि अपकमिंग टाइम के में हम लोग क्या प्राइस एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इस स्टॉक से और क्या नहीं। ओके तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा आज की कैंडल को, देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की कैंडल से स्टार्ट करते हैं। आज की कैंडल क्या कह रही है हम लोगों से, आज की कैंडल चीख चीख से हम लोगों से कह रही है कि मार्केट में बहुत ही गजब लेवल की प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये जो विक है वो क्लियर इंडिकेशन दे रही है मार्केट में बड़े प्लेयर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करा है। ओके, लोग एग्जिट कर रहे हैं इस स्टॉक से। अब भाई मतलब लोग एग्जिट कर रहे हैं मतलब कि सेल आ रहा है, सेलिंग पोजीशन बन रही है यहाँ पर। ओके, सेलिंग मतलब गिरावट। ओके, तो क्या अभी हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ओके, बिल्कुल नहीं। अब आप लोगों को खुद ही अब पता चल गया होगा, अगर लोग सेल कर रहे हैं बड़े, देख रहे हैं कितने तगड़े लेवल पे यहाँ पे सेलिंग चल रही है। कैंडल क्या है, जैसे हम लोग चैटिंग करते हैं तो उसमें इमोजी वगैरह लेके अपने एक्सप्रेशन भेजते हैं ना सामने वालों को, उसके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे कैंडल हम लोग को मार्केट की इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है हम लोग को, क्लियर कट टू कट इंडिकेशन दिखा रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है बहुत बड़े लेवल की। ओके, तो ड्यू टू दिस प्रॉफिट बुकिंग हम लोग अभी फालतू में एक बिना चलती हुई ट्रेन में एंट्री नहीं करने वाले। अब आप लोग क्या करोगे, चलती हुई ट्रेन में तो एंट्री कर नहीं लोगे, ट्रेन रुकेगी, स्टेशन में टिकट लोगे तब जाके कहीं उसमें एंट्री करोगे। ठीक, सो इस वजह से अभी इसमें इन्वेस्ट मत करिएगा, फ्रेश एंट्री, कोई फ्रेश एंट्री नहीं बन रही है। ठीक, अब बात करते हैं जिन लोगों के पास पहले से, उनको क्या देखना चाहिए। सो देखो, जिनके पास पहले से उनको मैं बताना चाहूंगा, इसका लास्ट जो रेजिस्टेंस एरिया लास्ट टाइम था वो 480 रुपीज के आसपास इसका लास्ट रेजिस्टेंस एरिया था, बट जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट दिया है इसने बहुत ही तेजी के साथ रिकवरी दिखाई है। ओके, रिकवरी क्या, बहुत तेजी रैली करी है इसने। ठीक, देखो ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, रैली। ओके अगेन, अब हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग। जिन्होंने यहां पर बाय करा है, जिन्होंने यहाँ पर बाय करा है, उनको भाई बताओ अच्छा खासा लम सम ऑफ प्रॉफिट चल रहा होगा कि नहीं। अच्छा खासा नहीं बल्कि बहुत ही तगड़े लेवल का प्रॉफिट चल रहा होगा उनको। ओके, सो अब वो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग सेफली एग्जिट हो जाए, प्रॉफिट बुक करें। उन्होंने प्रॉफिट बुक करा है और वो माल बेच रहे हैं अपना। ठीक, अब आप क्या करोगे, रिटेलर्स क्या करते हैं, जब लोग माल बेच रहे होते हैं तब जाके वो फालतू में वहां पे ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं और माल खरीद लेते हैं और उस वहीं पे पैसा फंस जाता है उनका पैसा ब्लॉक। आप लोगों को 2-3 महीने का वेट करना पड़ता है तब जाके आपका कहीं पैसा छूटता है वहां से। ओके, तो अगर आप लोग भी पैसा फंसाना नहीं चाहते हैं तो अभी इन्वेस्ट मत करिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे अब तो फिर भाई कहाँ इन्वेस्ट कर दें, भाई मेरे चैनल पर जाइए, मेरे चैनल विजिट करिए, हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं स्टॉक्स से, अलग अलग स्टॉक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा हर एक स्टॉक में हम लोग लेवल्स देते हैं कहाँ पे बाय करना चाहिए और ये भी बताते हैं कौन से स्टॉक में बेस्ट टाइम, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम लोग को बाय करने का। फिलहाल अभी इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही इसलिए मैं आप लोग को मना कर रहा हूँ। ठीक, तो आज का रिव्यू इस शेयर के ऊपर मैंने दे दिया है। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी बने तो मैं आप लोग को बता पाऊँ। डिविडेंड की बात करते हैं, सो एक्स डिविडेंड डेट है वो 25 अगस्त है, ₹25 का डिविडेंड मिलने वाला है। ओके, अक्टूबर 1 को डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगी। ठीक, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप लोग से बहुत ही जल्द एक और मजेदार वीडियो में। टिल देन कीप लाइकिंग आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे लर्निंग। ओके, मिलते हैं जल्दी।